ये चेहरे पे निशान कभी लगता है कटा है, स्टिच लगा है। कितने साल पहले इंजरी हुई थी, कब चोट लगा था? 8 साल। अभी इसमें हम लोग इसका रिवीजन सर्जरी करेंगे। ऐसे इस जगह पे निशान का रिजल्ट बहुत अच्छा है, उस लेवल तक तो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी अभी जैसा है उससे काफ़ी बेटर हो जाएगा। ये स्कार वाला पार्ट जो है बीच का, वो निकल जाएगा और नॉर्मल टिश्यू आपस में यूनाइट करेगा। तो करते हैं अभी इसका रिवीजन सर्जरी आपके इस निशान की। यहीं पे एक स्कार था, 1 महीने पहले इसकी सर्जरी हुई थी। हल्का सा एक निशान रेडनेस सा दिख रहा है। अभी एक सेशन इस पे हम लोग CO2 लेज़र करेंगे और लगभग लगभग ये ख़त्म हो जाएगा। आपको कैसा दिख रहा था? पहले से अभी बेहतर दिख रहा है। पहले से बेहतर दिख रहा है, पहले अच्छा नहीं दिख रहा था, नहीं अभी ठीक दिख रहा है। जी थोड़ा सा रेडनेस दिख रहा है ना, जी वो भी ख़त्म हो जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? समीर तो मधुपुर झारखंड 25 झारखंड अच्छा, तो ठीक है, मिलते रहिएगा। 2 महीने जी। के बाद एक बार फिर मिलिएगा, देखेंगे अगर ज़रूरत होगी। ये एरिया स्कार में थोड़ा सा रिजल्ट में इस एरिया पे कमी रहती है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। 1 महीने के हिसाब से अगर आज हम लोग इसको एसेस करें तो बढ़िया रिजल्ट है। एकदम जूम करके भी देख रहे हैं, कुछ डिजोल्वेबल थ्रेड के पार्ट, इस तरह का जब थ्रेड का टुकड़ा दिखता है तो लोग कई लोग बड़ा परेशान हो जाते हैं, फ़ोन करते हैं मेरे पास कि व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। तो ये एक्चुअली डिजोल्वेबल थ्रेड जो अंदर यूज़ करते हैं एंकरिंग के लिए, उसका पार्ट है जो स्किन से बाहर निकलता है, लेकिन इसके लिए कुछ एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही डिसअपियर हो जाता है। ये इतना फ्रिजाइल हो जाता है कि खुद टूट के 1-1.5 महीने 2 महीने में ख़त्म हो जाता है। अगर लेज़र सेशन करते हैं तो उससे भी ये ख़त्म हो जाता है, जैसे आपके केस में भी हम लोग 1 महीने के बाद एक सेशन लेज़राइज कर रहे हैं। स्कार रिविजन सर्जरी में कभी भी चीज़ों को छोड़ा नहीं जाता है कि हो गया और फिर पेशेंट अपना खुद मलहम लगाते रहे, नहीं, उनको हमेशा फ्रिक्वेंटली मिलते रहना चाहिए और ज़रूरत पड़ती है तो फिर अदर ट्रीटमेंट्स जो है उसको इसके साथ इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिसमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी, लेज़र, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंस का है। कई बार PRP भी करते हैं इसमें, कई बार हायलोनिक एसिड का इंजेक्शन डालते हैं, और ओबियसली एंटी स्कार मेडिसिन, सिलिकन जेल, जेल सीट और सनस्क्रीन, ये तो यूज़ करना ही होता है। तो एक सेशन अभी हम लोग इस पे आपका लेज़र कर रहे हैं स्कार रिविजन सर्जरी के 1 महीने के बाद। ये बहुत बेनिफिशियल होता है इस तरह का फॉलोअप में, लेज़र सेशन स्कार रिविजन में। इससे छोटा छोटा जो मार्क्स बनता है, जो पिगमेंटेशन अनइवेननेस मेनली, वो बहुत अच्छे से टैकल हो जाता है और स्कार में फाइनल आउटकम बहुत अच्छा होता है। ऐसे स्कार रिवीजन सर्जरी के बाद प्रॉपर मैच्योर होकर रिजल्ट आने में 6 मंथ टू 1 ईयर का टाइम लगता है, लेकिन इनिशियल 3 मंथ इज़ वेरी मच क्रूशियल। उस बीच में अगर हम लोग बाकी सारी ट्रीटमेंट्स इसमें ऐड करते हैं तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा, बहुत सेटिस्फाइंग, प्लीजिंग होता है, पेशेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। रिज़ल्ट का अच्छा होना सिर्फ पेशेंट के लिए ही अच्छा नहीं है, सर्जन के लिए भी अच्छा है। एक तो उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, लर्निंग कर्व बढ़ता है, कि अगर हम कीन ऑब्जर्वेशन हर पेशेंट में रखें फॉलोअप में कि हमारा रिजल्ट कैसा हो रहा है। तो कुछ ऐसा ही, जैसे ये पेशेंट अभी आ रहे हैं हमारे पास, पास के हैं तो बड़ी अच्छी बात है कि ये जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे और हम लोग इनके रिजल्ट को और बेहतर बनाते रहेंगे। ये कंप्लीट हो गई एक सेशन लेज़र, इसमें हल्का सा क्रस्ट बनेगा जो 7-10 डेज में ख़त्म हो जाता है, और फिर अंदर से नया जुवेनाइल स्किन का लेयर, फॉलोअप में फिर मेडिसिंस लगाएंगे और मिलेंगे, रिजल्ट हमेशा अच्छा रहेगा।